हे भगवान, सोए कुछ? कब तक जागते रहोगे जिमी? जिमी आए मगर वो मेरी मौत मरी क्यों? माएं बेटों पर कुर्बान होती आई हैं जिमी, और तुम्हारी हालत देखकर उसकी आत्मा को क्या बहुत सुख होगा? लेकिन मैं क्या करूं डेविड साहब? जो संगीत तुम्हारे गले और तुम्हारी उंगलियों में है, उसे दुनिया में बांटते रहो। मैं गा नहीं सकता डेविड साहब, मैं देखो जिमी, सब अपनी जिंदगी जीते हैं, अपनी मौत मरते हैं। अगर तुम्हें माँ से इतना प्यार था जितना तुम समझते हो, तो उसे मुर्दा ना समझो। वो हर घड़ी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, उन सपनों में है जो उन्होंने तुम्हारे लिए देखे थे। वो ये चाहती थी तुम्हारा संगीत सितारों की दुनिया में दिल की तरह धड़के। माँ को अपने संगीत में जिंदा रखो, अपने संगीत को अपनी माँ जानो। गाओ जिमी, गाओ जिमी, प्लीज गाओ जिमी। दोस्तों, उस रात मेरी माँ के साथ मेरे संगीत, मेरी आत्मा का कोई हिस्सा जरूर चल गया होगा। इसलिए अगर आप आज के गाने में ज्यादा दर्द पाए, अगर आपको मेरे सुरों की आंखों में आंसू दिखाई दें, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नहीं! नहीं! जिमी, सैम, सैम, एक खुशखबरी है। जिमी मर गया? ऑलमोस्ट। अब वो कभी नहीं गा सकेगा, उसे गिटार फोबिया हो गया है। गिटार फोबिया? हाँ, यानी कि उसके दिल में गिटार के लिए डर बैठ गया है, क्योंकि गिटार ने उसकी माँ की जान ली थी। अब वो गिटार को कभी नहीं छू सकेगा, और मान लो वो कभी ठीक भी हो गया तो बास को उसको गाने के लायक नहीं छोड़ेगा। वो साय की तरह उसका पीछा करता रहेगा। शिकार खुद
अपने जाल में फंस गया। फेंक दो इसको झाड़ियों में। कभी स्टेज पर परफॉर्मेंस कर सकेगा? क्यों नहीं, अगले महीने होने वाले इंटरनेशनल डिस्को कंपटीशन में क्या जिम्मी भाग ले सकेगा? क्या जरूर लेगा, जरूर जीतेगा। क्या आप बता सकते हैं प्लीज, सब कैसे प्लीज, no प्लीज, एक सवाल और प्लीज। अंकल जी, ये सब अपन लोग चंदा इकट्ठा करके खरीद के आया जिम्मी के वास्ते। तुम उसको हमारे तरफ से बोलो अंकल जी कि उसको अच्छा आना पड़ेगा। आपका बॉम्बे का फुटपाथ का सारा छोकरा छोकरी लोग उसके वास्ते प्रे करता। वो अपन लोग के माफिक वो बम्बई के फुटपाथ का होता ना, उसको बोल देगा। उसको तुम लोगों का वास्ते ठीक होना ही पड़ेगा। अगले महीने की 10 तारीख को वो तुम लोगों के लिए जरूर गाएगा। गाएगा जरूर। थैंक यू अंकल, थैंक यू।